इस मासूम चेहरे पे मत जाइए। जंगल में चढ़ने वालों को हाल देख सकते हैं कैसे लोग कूदा फांदी कर रहे हैं। और ये सामने आपके ट्रेन का पहला रन हो रहा है झेलम एक्सप्रेस के साथ, जो कि आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो आप इस ट्रेन में आप सफर नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हमारे अनस भाई ट्रेवल एक्सप्लोरर में अनस नाम मिस्टेक हो गई, और ये अपने मकसूद भाई, इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे। हेलो गाइज, आप सबको मेरा सलाम नमस्ते आदाब और सत श्रीकाल। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, तो हमारी आज की जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 15128 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में, जो कि डेली सुबह को 11:25 पर नई दिल्ली से खुलती है और अगले दिन सुबह को 4:50 पर हमें बनारस पहुँचाती है। और इस ट्रेन के पूरे 32 हॉल्ट है, जी हाँ 32 हॉल्ट, और ये ट्रेन 17 घंटे 15 मिनट में लगभग 800 किलोमीटर स्टेज कवर करती है, मीडियम स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अभी मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर आकाश, जब देख सकते हैं बारिश कितनी जोर की हो रही है, सुबह से ही बारिश का मौसम था, और जैसे अभी मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आया बारिश बहुत ही जोर की हो रही है। और वो सामने जो ट्रेन लगी हुआ है बनारस नई दिल्ली से गंगा एक्सप्रेस, तो फाइनली अपने जो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म पर लग रही है, और सामने खासा जी वहीं पर हल्के हो रहे लघु संख्या। इस ट्रेन के जनरल में चढ़ने वालों को हाल देख सकते हैं कैसे लोग कूदा फांदी कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली अपनी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लग चुकी है, और अभी घड़ी में बज रहा है 11:30, और अपनी ट्रेन खुलने में सिर्फ 5 मिनट ही रह गए, तब जाके अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी है और देख सकते हैं। और गाइस ये अपने सामने अपनी ट्रेन लगी हुई है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, और अपना जो कोच है वो है S2। आज अपनी जर्नी सीपर कोच में होने वाली है, तो चलते हैं अपने कोच में फिर। ये रहा अपना कोच, और बारिश की वजह से गेट के पास थोड़ा सा फीचर वगैरह है, चलते हैं अंदर। चले गए भैया भैया। और अपना जो सीट है वो है 62 ये वाली, बर्थ अपना है अपर बर्थ। तो दोस्तों नई दिल्ली में ही मैंने ले लिया है 2 बोतल पानी, ये ले लिया मैंने क्योंकि इस ट्रेन में कोई पेंट्री का नहीं है, लेकिन हाँ इस ट्रेन में साइड पेंट्री है जहाँ से आपको पानी खाने पीने की व्यवस्था मिल सकती है, लेकिन फिर भी मैंने नई दिल्ली में ही 2 बोतल पानी ले लिया है। तो अभी अपने ट्रेन यहाँ से थोड़ी देर में खुलेगी, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ अपनी ट्रेन का नई दिल्ली से डिपार्चर। तो एग्जैक्टली अभी घर में बज रहा है 11:52, और अपनी जो ट्रेन है 15 मिनट डिले खुली है यहाँ से नई दिल्ली से, तो चलिए इसका डिपार्चर इंजॉय कीजिए। और देख सकते हैं बारिश कितनी जोर की हो रही है यहाँ पे, और ये रहा नई दिल्ली का स्टेशन बोर्ड। बाय बाय। तो दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो अपनी मंजिल यानी कि बनारस के लिए निकल चुकी है, और रास्ते में एक दो जगह बहुत से कुछ लोग स्पेशल लोग हमसे मिलने आएंगे, हमें ज्वाइन भी करेंगे, वो लोग कौन से हैं आपको मैं जर्नी के दौरान जरूर दिखाऊंगा, जरूर बताऊंगा। तब तक आप जर्नी को एंजॉय करते रहिए, जर्नी को बिना स्किप किए। और ये है बनारस एक्सप्रेस 12581। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद मैं उतरूंगा नहीं क्योंकि गाज़ियाबाद को मैं आपको इससे पहले कई बार दिखा चुका हूं, लगभग हर जर्नी में आपको मैं गाज़ियाबाद दिखाया हूं। तो यहां पे आज मैं नहीं उतरने वाला हूं, और यहां से अपनी जो ट्रेन है वो पूरे तरीके से पैक हो जाएगी। और दोस्तों गाज़ियाबाद में अपने बगल में ये जा रही है लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर एक्सप्रेस, इसका भी जर्नी मैं बना चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों गाज़ियाबाद से निकलते ही जैसे ही अपने ट्रेन मुरादाबाद वाली लाइन में मुड़ती है वैसे ही हमें देखने को मिलता है बहुत ही खूबसूरत सा कर्व, जैसा कि आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों लगभग 65 किलोमीटर स्टेयर्स कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अपने स्टैंड का तीसरा और अपना पहला हॉल्ट हापुड़, जिसका डिजाइन कोड है HPU। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 15 मिनट डिले। हापुड़ के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे के मोदाबाद डिवीजन में और उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में। और यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना ही कोई टर्मिनेट, लेकिन फिर भी यहाँ पर 70 ट्रेनों का हॉल्ट है। और दोस्तों हापुड़ फेमस है अपने स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स के लिए और साथ ही साथ जैगरी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैगरी यानी कि गुड़ इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके अलावा यहाँ का पापड़ और कॉर्न भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अपने ट्रेन का यहाँ पे पूरे 2 मिनट का हॉल्ट है, तो चलते हैं अपने कोच में। फिर और दोस्तों हापुड़ जो एक जंक्शन है, क्योंकि दिल्ली मुरादाबाद मेन लाइन के अलावा यहाँ से एक लाइन चली जाती है मेरठ की तरफ और एक लाइन चली जाती है खुर्जा की तरफ। अभी हम लोग आ चुके हैं अमरोहा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं आम और कविता के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर शहर अमरोहा, जिसका डिजाइन कोड AMRO। और हम लोग यहाँ पहुँचे पूरे 15 मिनट डिले। अमरोहा पर 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई टर्मिनेट, लेकिन यहाँ पे 44 ट्रेनों का हॉल्ट है। और दोस्तों आम और कविता के अलावा अमरोहा फेमस है अपने कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए और साथ ही साथ ढोलक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पे ढोलक बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर की जाती है। तो दोस्तों पूरे 2 मिनट के हॉल के बाद अपनी जो ट्रेन है अमरोहा से निकल चुकी है आम के लिए मशहूर अमरोहा। और ये अपने बगल से जा रही है आर्मी स्पेशल कोचेस। तो दोस्तों वो जो सामने आप जाते हुए ट्रेन देख रहे हैं वो है आर्मी स्पेशल ट्रेन। और गाइस इसके खासियत बात बताऊं, आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो आप इस ट्रेन में आप सफ़र नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हमारे फौजी भाइयों को ही इजाज़त है इस ट्रेन में बोर्ड करने का। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग मुरादाबाद पहुँचने वाले हैं, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ अपनी ट्रेन का मुरादाबाद में अराइवल। तो लगभग 170 किलोमीटर स्टेशन कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं पीतल नगरी यानी कि मुरादाबाद, जिसका डिजाइन कोड है MB। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे 20 मिनट डिले। मुरादाबाद के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन आता है नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में। और यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर 10 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट करती है और साथ ही साथ यहाँ पर 204 ट्रेनों का हॉल्ट है। वैसे आपको मुरादाबाद में खाने पीने के लिए पूरी सब्जी केला वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और सामने स्टॉल भी है वहाँ से भी आप कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों अपनी ट्रेन का मुरादाबाद में पूरे 8 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि अपनी ट्रेन में यहाँ पे पानी वानी रिफिल होगा। तो अभी मेरे पास टाइम है तो अभी मैं आपको इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है अभी मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो चलते हैं लोकोमोटिव के पास। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव, गाजियाबाद सेट का वेब 7 है, लोको नंबर है 37299, यही लोकोमोटिव है हमारा। चलते हैं भाग के फटाफट पीछे चलते हैं, क्योंकि अपना जो कोच है ना बिल्कुल पीछे है, तो भाग के चलते हैं पीछे फिर। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने गया था इस ट्रेन का लोकोमोटिव, तो वैसे ही अपनी ट्रेन लोकोमोटिव दिखाने के बाद मैं थोड़ा सा पीछे आया, वैसे ही अपनी ट्रेन खुल गई और मुझे जल्दीबाजी में इस ट्रेन के AC कोच में चढ़ना पड़ा। वैसे आप देख सकते हैं सामने इंडियन ऑयल का जो डीजल लोकोमोटिव जो पहले होता था उसको रिफिल करने के लिए वो सामने 3 वैगन है। और यहाँ पे देख सकते हैं मुरादाबाद का ये स्टेशन बोर्ड। तो दोस्तों अभी मैं उस ट्रेन के AC कोच में, इसकी साफ़ सफाई देख सकते हैं, साफ़ सफाई इसकी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शांत वातावरण है इसका, कर्टेंस वगैरह या कंबल सब कुछ वापस आ चुके हैं।
दोस्तों अपने काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस आ चुके हैं अपने 8वें हॉल्ट यानी कि रामपुर, जिसका ट्रेन कोड है RMO। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लगभग 30 मिनट डिले। रामपुर मेट्रो का 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना ही कोई टर्मिनेट, लेकिन फिर भी यहाँ पे 58 ट्रेनों का हॉल्ट है। और ये जो स्टेशन है ये आता है नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा घड़ी लगा हुआ है, 4:20 यहाँ पे शो कर रहा घड़ी में। और अपनी ट्रेन रामपुर से निकल चुकी है 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। और दोस्तों रामपुर में एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है जिसमें मुगल काल के लगभग 12,500 बहुत ही रेयर पेंटिंग्स रखे हुए हैं। और मुरादाबाद जाना था अपने रामपुरी चाकू के लिए, अपने चाकू फिल्मों में भी देखा होगा, वो बटन दबाती जो खट से चाकू जो खुल जाता है आगे की तरफ, वही चाकू जिसे रामपुरी चाकू कहते हैं वो यहीं पर बनता है मैक्सिमम। और दोस्तों ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन चली जाती है लाल कुआ होते हुए काठगोदाम की तरफ, जो काठगोदाम शताब्दी वगैरह भी चलती है इसी लाइन से। अभी हम लोग आ चुके हैं बरेली, और बरेली पे आप भीड़ देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मांझा और सुनने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध बरेली, जिसका ट्रेन कोड है BE। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लगभग 30 मिनट डिले। बरेली में टोटल 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 12 ट्रेनें ओरिजिनेट टर्मिनेट करती है और साथ साथ यहाँ पे 142 ट्रेनों का हॉल्ट है। और दोस्तों बरेली में हमारे कुछ मित्र आए हैं यहाँ पे जिनसे आप मिले, ये है शशांक अनस भाई, ट्रेवल एक्सप्लोरर अनस नाम मिस्टेक हो गई, और ये अपने मकसूद भाई, इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे। हम दोनों ने डबल डेकर में ट्रेवल किया था और हम दोनों ने किसमें सफर किया था भाई, मौर्य, और सेकेंड टाइम मिले थे जनसाधारण में। और यहाँ पे ये दोनों मिलने आए और भाई की बुंदेलखंड की जो ब्लॉग थी ना वो किसी कारण फॉर्मेट हो गया, जो कि नहीं पढ़ पाया, डिलीट हो गई, जिस वजह से भाई के चैनल को अभी तक आई नहीं है। आपको जरूर फ्यूचर में भाई के चैनल बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अपने अनस भाई और मकसूद भाई को बरेली जंक्शन पर छोड़ते हुए हमारी ट्रेन निकल चुकी है आगे की तरफ, और यही है बरेली जंक्शन। बरेली जंक्शन तो दोस्तों अपनी ट्रेन का बरेली में सिर्फ 2 मिनट के हॉल्ट था, जिस वजह से अपने जो मित्र लोग वहाँ पे मिलने आए थे उनसे ज़्यादा बातें नहीं हो पाई। वैसे बरेली के बारे में बात करूँ तो बरेली एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है चंदौसी होते हुए मुरादाबाद की तरफ, और एक लाइन चली जाती है कासगंज होते हुए मथुरा की तरफ। और भाई लोगों ने मेरे लिए ये लाया है कुछ, देखेंगे इसमें क्या है और इसका टेस्ट करेंगे, कुछ खाने पीने वाला चीज़ ही होगा। तो चलते हैं अपने सीट पर फिर और जर्नी को इन्जॉय करते हैं। तो दोस्तों अपनी ट्रेन बरेली से निकल चुकी है, अब बरेली में अनस भाई और मकसूद भाई मेरे लेकर आए थे ये कुछ स्नैक्स वगैरह है, कुछ रेसी पल्स वगैरह, और ये लेकर आई ये कुछ खास चीज़ें, ये कुछ रोटी है, ये इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है, इसका टेस्ट करके बताओ इसका टेस्ट कैसा है। ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो थैंक यू अनस भाई ये लाने के लिए, पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। तो चलते हैं इसमें, फटाफट ख़त्म करता हूँ, तब तक आप जर्नी को एंजॉय करते रहिए। और दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन चली जाती है पीलीभीत की तरफ, और थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं शाहजहाँपुर, वो सामने शाहजहाँपुर स्टेशन। आप मौसम देख सकते हैं मौसम कितना सुहावना है, अभी भी आसमान में घने काले बादल हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन का 12वां हॉल्ट शाहजहाँपुर, जिसका ट्रेन कोड है SPN, और अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है लगभग आधे घंटे डिले। शाहजहाँपुर में टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 3 ट्रेनें ओरिजिनेट ट्रीटमेंट करती है और साथ ही साथ यहाँ पे 12वें ट्रेनों का हॉल्ट। और शाहजहाँपुर जाना था अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और बहुत सारे। और यहीं पर शाहजहाँपुर में पूरे दुनिया का तीसरा सबसे लंबा हनुमान जी का स्टैचू है, और अपनी ट्रेन के यहाँ पर पूरे 2 मिनट का हॉल्ट है। तो दोस्तों पूरे 2 मिनट के हॉल के बाद अपनी जो ट्रेन है वो शाहजहाँपुर से निकल चुके हैं, और अपनी ट्रेन अभी भी लगभग आधे घंटे डिले है। तो आप इस ट्रेन का शाहजहाँपुर से डिपार्चर एंजॉय कीजिए। ये रहा शाहजहाँपुर स्टेशन,
बार ये आपको ट्रेन के वास्तव में कंडीशन दिखाने का, सामने देख सकते हैं सामने मिरर है, मिरर उतना अच्छे तरीके से साफ सुथरा नहीं है, नीचे दाग धागे लगे हुए हैं। और ये रहा बेसिन, बेसिन में पानी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुरादाबाद में ही पानी भरा है। और नीचे डस्टबिन भी है, और यहाँ पे फायर स्टिंग्विशर है। तो चलते हैं टॉयलेट के अंदर, इसके अंदर ही चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के वाशरूम में, सामने देख सकते हैं सामने जो मिरर है बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरा है, ये ऊपर लाइट भी रहा। और एक बेसिन देख सकते हैं, बेसिन बहुत ही साफ सुथरा है, यहाँ पे भी पानी आ रहा देख सकते हैं। नीचे की जो साफ सफाई है ये भी साफ सफाई बहुत ही अच्छी है, तो मोर्डी बहुत ही साफ सुथरा है, यहाँ पे मग नहीं है सिर्फ। और यहाँ पे प्लस बटन है, ग्रीन बटन के, आप जब भी टॉयलेट यूज किए इसको जरूर एक बार फेस करना है। सामने नो स्मोकिंग का बोर्ड है, प्लीज आप टॉयलेट में आकर कभी भी स्मोक न करें, मैं आपको हर जमीन में बोलता हूँ। ओवरऑल बोलते स्टेट का जो वाशरूम कंडीशन है बहुत ही जबरदस्त है, बाहर का सिर्फ मिरर थोड़ा सा गंदा है, बाकी साफ सफाई बहुत ही जबरदस्त है। बता दो अब आप इस मासूम चेहरे पे मत जाइए। मासूम नहीं है, अरे मासूम नहीं है। अच्छा रोने क्यों लग गए, रोने क्यों लग गए? दो तारीख उसका बर्थडे है, इसीलिए जा रहे हैं। आप सब भी एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश करिए यार, दो तारीख को बर्थडे है। अच्छा नाम बता दो आपका, कर्तव्य लड़कों की इंसल्ट कर रहे हो भाई। तो हमारा ये कर्तव्य छोटा सा बच्चा है, इनको आप हैप्पी बर्थडे विश कीजिए, इनका 2 जुलाई को हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हम इनके लिए ना कुछ लेंगे। कहाँ जा रहे हो? अच्छा तो अभी हम लोग आ चुके हैं हरदोई, तो दोस्तों अभी घर में बज रहे हैं शाम के 8 और अभी हम लोग आ चुके हैं हरदोई, जिसका स्टेशन कोड है HRI। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लगभग 50 मिनट डिले। हरदोई के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से नाई कोई ट्रेन ओरिजिनेट करती है, नाई कोई ट्रेन, लेकिन फिर भी यहाँ पे 66 ट्रेनों का हॉल्ट। और दोस्तों हरदोई फेमस है अपने गमछे के लिए और गन्ने के लिए और लियोन से बने कपड़े के लिए। और अपने ट्रेन का यहाँ पे पंजाब मेल के साथ क्रॉसिंग होने वाली है। वैसे हरदोई का जो चाय है ना बहुत ही फेमस है मैंने सुना है, तो यहाँ पे देखते हैं आसपास अगर कोई चाय वाला हो तो चाय लेंगे यहीं पे हम। फिलहाल अब अभी आप पंजाब मेल का देखिए, सामने से पंजाब मेल आ रही है, वेब 7 लगा हुआ है हावड़ा से का पंजाब मेल, जो कि हावड़ा और अमृतसर के बीच चलती है। लोकल चाय है ना ये, क्योंकि हमने सुना कि हरदोई का चाय बढ़िया होता है, जिस वजह से हम लोग ले रहे हैं बाहर। अल्लाह चाय नीचे ही रखना पड़ेगा, बहुत गर्म चाय, तो हमने अपना चाय नीचे ही रख दिया, इतना गर्म है कि पकड़ा नहीं जा रहा। फिलहाल अभी हम लोग आपको हरदोई का डिपार्चर दिखाते हैं। और गाइस जब देख सकते हैं अपनी ट्रेन हरदोई से निकलते ही पूरे हरदोई स्टेशन का ही लाइट चला गया और बिल्कुल अंधेरा हो गया, सामने पंजाब मेल लगी हुई है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लाइट बिल्कुल ख़त्म। इतने बड़े स्टेशन पर अगर ऐसा हाल हो कैसे चलेगा भाई। तो दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो हरदोई से निकल चुकी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हरदोई की चाय फेमस है, तो ये चाय हमने लिया है, लोकल वेंडर ही थे, तो देखते इसका टेस्ट कैसा है पहले। चाय का जो टेस्ट है वाकई में बढ़िया है, लेकिन वही बाकी चाय की तरह थोड़ा सा पानी की मात्रा है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल चाय पीने लायक है। चाय लोगे? चाय दे रहा हूँ, चाय दे रहा हूँ, अभी चाय जब आते ना तभी खेल रहता है, चाय दे रहा, गरम चाय दे दी यार सब के, इतनी गरम चाय। नवाबों के शहर लखनऊ में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लखनऊ,
तो दोस्तों लगभग 490 किलोमीटर स्टेज करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं नवाबों का शहर लखनऊ, जिसका डिजन कोड है LKO, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लगभग 40 मिनट डिले। लखनऊ में टोटल 9 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 19 ट्रेन ओरिजिनेट और 20 ट्रेन टर्मिनेट करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे 225 ट्रेनों का हॉल्ट है। और ये जो स्टेशन है ये आता है गौदा रेलवे का लखनऊ चारबाग डिवीजन में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और लखनऊ जाना जाता है अपने अदब और तहजीब वाली जुबान के लिए। और खाने के बारे में क्या बात करूँ, लखनऊ का जो टुंडे कबाब और जो बिरयानी है ये तो पूरे इंडिया में फेमस है। खाने के मामले में लखनवी जो लोग हैं वो बहुत ही आगे हैं। और अपने ट्रेन के यहाँ पे पूरे 15 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों ये अपने सामने लगी है पद्मावत एक्सप्रेस, इसका भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अभी इनसे पद्मावत लिखा हुआ है, बहुत जल्द इसका भी जर्नी आपको मिलेगा अपने चैनल पे। तो दोस्तों हमारे कोच में जो एक छोटा सा बच्चा जो सफ़र कर रहा है उसका बर्थडे है 2 जुलाई को, उसके लिए हम कुछ ट्रॉफी वगैरह जो भी कुछ खाने की उसके लिए ले लेते हैं। अंकल बच्चे के खाने के लिए कुछ होगा, ये केक ले ले, दोनों ले रहे हैं, मतलब हम दोनों मिलकर ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। हमने लिया है कि मैजिक फूड केक और एक रोमांजो चोको की गई है। तो दोस्तों फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो लखनऊ चारबाग से निकल चुकी है और अपनी ट्रेन यहीं पे लगभग 50-55 मिनट डिले हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि अपनी जो ट्रेन है वो बनारस राइट टाइम पहुंचाती है कि नहीं। तो दोस्तों अपना जो ट्रेन है वो लखनऊ से निकल चुकी है, तो अब बारी है बर्थडे बॉय के लिए ये गिफ्ट देने का। किधर है जगह जगह लग चलो लग चलो लग चलो लग चलो। तो दोस्तों अपना ये बर्थडे बॉय सामने बैठा है और ये लीजिए भैया हैप्पी बर्थडे। बोल थैंक यू, बोल थैंक यू, बोलो किससे दे, अब हाथ तो मिला लो, हाथ मिला लो। तो बर्थडे बॉय को नींद आने वाली है, नींद के मूड में है। बाकी इनको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। और भाई रोया कम करो, ठीक है। हाँ रोया कम करो और फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा तुम्हारा। हद 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 नींद आ रही है, नींद आ रही, नींद आ रहा, शर्मा नींद आ नींद। चलो ये दोनों तुम्हारा हमारी तरफ से बर्थडे गिफ्ट। तो दोस्तों अभी घर में बज रहे रात का 10:30 और अपनी ट्रेन अभी भी लगभग 50 मिनट डिले चल रही है। और अपना जो अगला हॉल्ट है वो है रायबरेली, तो रात का ये 12 बजे के बाद आएगी, तो तब तक मैं जगह नहीं रहूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोना, मिलता हूँ आपसे कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो अभी घर में जा रहे सुबह का 5 और लगभग 800 किलोमीटर कवर करने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन बनारस, जिसका डेस्टिनेशन कोड है BSBS। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट बिफोर। अपनी ट्रेन रात में लगभग 1 घंटे डिले थी, लेकिन यहाँ पे अपनी ट्रेन स्लैक की वजह से 15 मिनट बिफोर पहुँचाई। अभी मैं आपको बनारस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 17 ट्रेन ओरिजिनेट 16 ट्रेन करती है और साथ ही साथ यहाँ पर 19 ट्रेनों का। और दोस्तों इस ट्रेन के कोच पोजिशन और फेयर के बारे में बात करते हैं, इस ट्रेन में 4 सीटर सीटिंग की कोच है जिसका फेयर है 250 रुपये, 5 सीटर क्लास कोच है जिसका फेयर है 415 रुपये, 8 30 सीटर कोच है जिसका फेयर है 1125, 2 सेकेंडरी सीटिंग कोच है जिसका फेयर है 1610 और 1 फर्स्ट सीटिंग कोच है जिसका फेयर है 2705 रुपये। और रही बात जर्नी एक्सप्रेस की, तो जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा था, ये ट्रेन ISO सर्टिफाइड है जिस वजह से इसकी साफ सफाई बहुत ही ज़बरदस्त थी। ट्रेन पंक्चुअल है क्योंकि ट्रेन को टाइमिंग जो है थोड़ा स्लो रखा गया है। ओवरऑल बोलो जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा रहा। तो चलते हैं इसका तो अपने वीडियो करते यहीं पर समाप्त, अब मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जल्द सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल करें, फैमिली ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।